एक्सेसिंग द प्राइवेट मेंबर्स, यहाँ पे देखो, इनर क्लासेस आर ऑल्सो यूज टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास. सपोज ए क्लास इज हैविंग प्राइवेट मेंबर्स एंड टू एक्सेस देम, राइट एन इनर क्लास इन इट, रिटर्न द प्राइवेट मेंबर्स फ्रॉम ए मेथड विद इन ए इनर क्लास, से गेट वैल्यू, एंड फाइनली फ्रॉम अनदर क्लास फ्रॉम विच यू वॉन्ट टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर, कॉल द गेट वैल्यू मेथड ऑफ द इनर क्लास. ठीक है, अब ठीक है, टू इंस्टेंशिएट द इनर क्लास इनिशियली यू हैव टू इंस्टेंशिएट द आउटर क्लास. ठीक है, इनर क्लास को इंस्टेंशिएट करने से पहले हम लोग को आउटर क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा. मीन्स हम लोग को सबसे पहले इंस्टेंस किसका बनाना पड़ेगा, आउटर क्लास का बनाना पड़ेगा. देन उसके बाद हम लोग को किसका बनाना पड़ेगा, इनर क्लास का बनाना पड़ेगा. ठीक है, देयर आफ्टर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास फॉलोइंग इज द वे इन विच यू कैन इंस्टेंशिएट द इनर क्लास. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग को इनर क्लास की किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है या फिर इनर क्लास को इंस्टेंशिएट करना है, तो हम लोग को सबसे पहले आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ये आउटर डेमो हम लोग जो बनाए थे वो आउटर डेमो प्रोग्राम का आउटर क्लास है, उसी का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे. ठीक है, अब आउटर डेमो का ये आउटर ऑब्जेक्ट बन चुका है. अब यहाँ पे हम लोग इस क्लास से आउटर डेमो डॉट इनर डेमो, आउटर डेमो डॉट इनर डेमो इनर इक्वल टू आउटर डॉट न्यू इनर डेमो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लास का पाथ क्या है, आउटर डेमो के अंदर इनर डेमो, उसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इनर. ठीक है, अब ये इंस्टेंशिएट कैसे होगा, इसको मेमोरी कैसे मिलेगी, आउटर के अंदर में मिलेगी, आउटर डॉट न्यू इनर डेमो. ठीक है, आउटर डॉट न्यू इनर डेमो, इस प्रकार से उसको इंस्टेंशिएट किया जाता है. ठीक है, हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, उससे हम लोग को समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास लिया है आउटर डेमो. ठीक है, उसके अंदर एक प्राइवेट इंट नम हम लोग ने एक वेरिएबल बना लिया है, उसको हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया है 175 से. क्लियर, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लिए, पब्लिक क्लास इनर डेमो हम लोग ने एक इनर क्लास बनाया. ठीक है, इनर क्लास हम लोग ने बनाया, पब्लिक इंट गेट नंबर हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, एक मेथड बना लिए, पब्लिक मेथड यहाँ बनाए. इनर क्लास को भी हम लोग क्या लिखे हैं, पब्लिक लिखे हैं. ठीक है, अब पब्लिक इंट गेट नम जो हम लोग मेथड बनाया उसके अंदर हम लोग एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज द गेट नम मेथड ऑफ द इनर क्लास. ठीक है, और यहां से हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, नम रिटर्न कर दिया. मतलब ये इनर क्लास जो है उसके अंदर एक पब्लिक मेथड है. ठीक है, जो इस नंबर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और नंबर क्या है, प्राइवेट है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने इनर क्लास बनाया है, ये पूरा का पूरा इनर क्लास है. ठीक है, कि इनर क्लास भी इस आउटर डेमो का प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम क्लास में है, ये पूरा सेम क्लास में, तो अंदर जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे सब एक दूसरे को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इनर क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड बनाया और उसके अंदर से वैल्यू हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब नम को एक्सेस कर रहे हैं, और नम क्या है, प्राइवेट मेंबर है. ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर को हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, इनर क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड बना के. ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास माय क्लास टू. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मेन मेथड ले लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. ठीक है, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं सबसे पहले आउटर क्लास को. ठीक है, आउटर डेमो आउटर इक्वल टू न्यू आउटर डेमो, हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया है,
सबसे पहले आउटर डेमो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इंस्टेंशिएशन मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। आउटर डेमो डॉट इनर डेमो, उसके बाद यहाँ पे लिखे इनर, ठीक है। इनर क्लास का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सेम वैसी प्रोसेस जैसे मैंने ऊपर बताया था, सबसे पहले इस क्लास का पूरा पूरा पाथ देंगे, आउटर डेमो डॉट इनर डेमो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आउटर डेमो क्लास हमने बनाया उसके अंदर में यहाँ पे इनर डेमो है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखे वहां पे आउटर डेमो डॉट इनर डेमो। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम हम लोग दिए इनर इक्वल टू आउटर, ये आउटर ऑब्जेक्ट जो है आउटर डॉट न्यू इनर डेमो। तभी हम लोग उसके पब्लिक मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे एक्सेस करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनर इनर डॉट गेट नम, ठीक है। इनर डॉट गेट नम, गेट नम क्या था हमारा, ये पब्लिक मेथड है जो इनर क्लास के अंदर में, ठीक है। मेथड लोकल इनर क्लास। इन जावा वी कैन राइट ए क्लास विद इन ए मेथड एंड दिस विल बी लोकल टाइप, ठीक है। मेथड लोकल इनर क्लास में क्या होगा, वी कैन राइट ए क्लास विद इन अ मेथड, मतलब हम लोग एक मेथड के अंदर में एक क्लास डिफाइन करेंगे और वो क्लास जो होगा लोकल होगा उस मेथड के लिए, ठीक है। जो क्लास हम लोग बनाएंगे वो लोकल होगा मेथड के लिए। इतना हम जानते हैं कि जो भी मेथड के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस मेथड के लिए ही होते हैं। मतलब वो मेथड के लिए क्या होगा, पूरे लोकल स्टेटमेंट्स होंगे, जो वेरिएबल्स यूज करेंगे वो लोकल वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो अगर उसके अंदर हम लोग एक क्लास बना देते हैं मेथड के अंदर में, ठीक है, तो मेथड के अंदर में कोई भी एक क्लास बना देंगे तो वो क्या होगा, लोकल इनर क्लास होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेथड लोकल इनर क्लास, ठीक है। लाइक लोकल वेरिएबल्स द स्कोप ऑफ द इनर क्लास इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द मेथड, ठीक है। जैसा लोकल वेरिएबल्स के साथ होता है कि उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं मेथड लोकल इनर क्लास का। हम लोग ने यहाँ पे बनाया पब्लिक क्लास आउटर क्लास, उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे बनाया void my method, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया ये आउटर क्लास के अंदर में, आउटर क्लास के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने उसके अंदर एक int num नाम का वेरिएबल बनाया। अब इस void my method के अंदर में ही यहाँ पे हम लोग ने क्लास बनाया है, ठीक है, इसके अंदर में ही हम लोग ने एक क्लास बनाया है, ठीक है। क्लास मेथड इनर डेमो, इस क्लास के अंदर में एक हमने पब्लिक मेथड बनाया प्रिंट नाम का, ठीक है। इस पब्लिक मेथड का एग्जिस्टेंस या फिर स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, सिर्फ जब तक ये माई मेथड कॉल करेगा तब तक ही इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनर क्लास का एंड हो गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हो गया, तो ये उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो num23 है ये लोकल वेरिएबल होगा इस माई मेथड के लिए, ठीक है, और यहीं पे हम लोग उसका एक्सेस कर रहे हैं, तो साथ में इसके प्राइवेट पब्लिक लिखने की कोई हम लोग क्यों जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, इस void my मेथड के अंदर में ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिंग द इनर क्लास। इसी इनर क्लास को हम लोग यहाँ पे इसी मेथड के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के मेथड इनर डेमो, इनर हमने लिखा इक्वल टू न्यू मेथड इनर डेमो, ठीक है। देन उसके बाद कॉल कर रहे हैं इस प्रिंट मेथड को इनर डॉट प्रिंट, ठीक है। हम लोग को इस क्लास का सिंपली क्या किए, ऑब्जेक्ट बनाया है
ठीक है, और इस मेथड को हम लोग कॉल कर दिए इनर डॉट प्रिंट नाम से, ऐसे हम लोग कॉल कर दिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस मेथड के अंदर में है, void my मेथड के अंदर में एक क्लास बना हुआ है, क्लास के अंदर एक void print नाम का एक मेथड बना हुआ है, और इसी मेथड के अंदर void my मेथड के अंदर में ही हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस इनर क्लास का जो हम लोग का प्रिंट मेथड है उसको कॉल किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main में, जो हमारा मेन मेथड है वहां पे हम लोग ने क्या किया, आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर डॉट माई मेथड हम लोग ने कर दिया सिंपल, जैसा हम लोग हर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हर क्लास के मेथड को कॉल करते हैं सिंपली वैसे ही कॉल किया। ठीक है, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, माई मेथड में चले जाएगा। फिर आप आ जाते हैं माई मेथड पे, एक वेरिएबल है इंट नम इक्वल टू 23, इनिशलाइज हो जाएगा नंबर, नम जो वेरिएबल है वो इनिशलाइज हो गया 23 से। देन उसके बाद आया क्लास मेथड इनर डेमो, जो हमारा इनर क्लास है, ठीक है, ये लोकल रहेगा इस माई मेथड के लिए, उसके अंदर में हम लोग ने एक पब्लिक मेथड बनाया है प्रिंट, उसके अंदर हम लोग प्रिंट करें दिस इज मेथड इनर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज मेथड इनर क्लास प्रिंट होगा, साथ में नम की वैल्यू प्रिंट होगी, नम की वैल्यू क्या है 23। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज मेथड इनर क्लास 23। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ प्रिंट को कॉल किया गया, तो हम लोग को वॉइड प्रिंट जो है वो कॉल होगा और ये हम लोग को आउटपुट में मिलेगा, दिस इज मेथड इनर क्लास और नम। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आउटपुट, दिस इज मेथड इनर क्लास और 23।